जनप्रतिनिधि ने अपनी तरफ से भावना व्यक्त की है। अब हम और आशा और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ में खड़े रहें और हम उनसे भी आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के ऊपर अपनी ओर से बात पहुंचाएं। 50 रुपये मैं मदर से खर्ची लेके दुकान के लिए रवाना हुआ और वो देवका पहुंच गया। वहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई परिवार में कोई इनका रिश्तेदारी नहीं है। तो हम ये सभी रावणा राजू समाज के और सर समाज के या पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इसका खुलासा किया जाए और इसके पीछे जो हत्या के पीछे जो भी अपराधी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। हम सब की समाज की मांग। प्रथम दृष्टया से जो वीडियो और फुटेज आए हैं उस फुटेज के आधार पर हमने गहनता से और पुलिस प्रशासन से भी बात की है। उस गहनता के अनुसार जो उन्होंने फांसी का बताया गया है उसकी कम से कम लड़की खुद की हाइट 6 फुट थी और उसका जो पतली बबूल की लकड़ी से डोरी बांधी गई है और उसके पैर जमीन पर टच है, बिल्कुल ही घुटने टच है, पैर तो क्या घुटने टच है। और वास्तव में उसको मारकर भी वहाँ लटकाया गया। देवका उसकी कोई परिचित व्यक्ति है ही नहीं, ना उनकी कोई रिश्तेदारी है। अब वो बूट की दुकान पर काम करने वाला एक बहुत साधारण व्यक्ति था। 50 रुपये मैं मदर से खर्ची लेके दुकान के लिए रवाना हुआ और वो देवका पहुँच गया। वहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई परिवार में कोई इनका रिश्तेदारी नहीं है। तो हम ये सभी रावणा राजू समाज के और सर समाज के या पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इसका खुलासा किया जाए और इसके पीछे जो हत्या के पीछे जो भी अपराधी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। हम सब की समाज की मांग। सोशल मीडिया पर उन्होंने सभी ने जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से भावना व्यक्त की है। अब हम और आशा और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ में खड़े रहें और हम उनसे भी आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के ऊपर अपनी ओर से बात पहुँचाएँ और जो ये हत्या हुई है इसका तुरंत प्रभाव से खुलासा करें और अपराधियों को जो भी अपराधी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें और ये गरीब व्यक्ति है इनके अंदर जो सरकारी योजनाओं के अंदर जो भी लाभ है इस व्यक्ति को मिलना चाहिए। क्यों, ये अपने माँ का अपने 3 बहनों का इकलौता भाई है और माँ का इकलौता बेटा है, कमाने वाला व्यक्ति अकेला था। हम ये प्रशासन से भी मांग करते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ है इनको मिलना चाहिए। दो रस्सियों का अब वहाँ पर हमने SFL की टीम के द्वारा वहाँ पता किया है कि भाई पहले वहाँ पतली डारी के बबूल की झाड़ी से बांधा हुआ है, दूसरी जगह और बांधा गया है। वहाँ पर गाड़ियों के निशान भी है, टायरों के, और जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पर भी निशान 2 व्यक्तियों का अन्य भी है, वो भी पता कर रहे हैं। अब उन्होंने प्रयास किया, पहले मैं लगाने का प्रयास किया वहाँ पर बबूल या रस्सी टूट गई होगी या दूसरी जगह लगाने का प्रयास किया, ये तो बड़ी जांच का विषय है। वो अपने पुलिस वाले पता कर रहे हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, कुछ घटनाक्रम वो SP साहब बताएंगे। बाकी